हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसकी आज हम बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज एन एलिमेंट, इनमें से एलिमेंट का सिंबल कौन सा है, तो कैल्सियम ए वाला ऑप्शन आएगा। सेकंड, विच ऑफ दिस इज ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनमें से कौन सी एक्टिविटी दोनों केमिकल्स चेंज को शो करती है, दोनों चेंजेस को शो करती है, फिजिकल और केमिकल चेंज। इसमें आएगा बर्निंग ऑफ कैंडल, डी वाला ऑप्शन। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर भी देखकर इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसकी अलॉय है, ऑप्शन इसमें आयरन, बी वाला ऑप्शन, कॉपर, सी गोल्ड और डी सिल्वर। तो इसमें आ जाएगा आयरन, ये वाला ऑप्शन। ये लिख लेना बुक में पेंसिल से, क्योंकि ये ना तो ऑप्शन सेट हो रहे हैं ना ही आंसर, ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही सेट नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज, वो चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ वो कहलाता है केमिकल चेंज। ऑप्शन डी। सिक्स में, विच ऑफ दिस इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग इन मेटल्स दे रखा है, अगर आयरन होता तो ये ऑल ऑफ देम होता, ये सारे आयरन की रस्टिंग को रोकने के मेथड्स हैं मेटल के, नहीं तो इसमें डी नन ऑफ देम, ठीक है। सेवन में, द गैस प्रोड्यूस बेंजीन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल ठीक कर लेना, एल छोटा आएगा। इसमें फर्स्ट वाला भी ऑप्शन सेम है, इसको सेम रखना, हाइड्रोजन आंसर तो यही है, लेकिन सी वाले को नाइट्रोजन कर लेना। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दूसरा आंसर, हाइड्रोजन ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट, एन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, फिल इन द ब्लैंक में सिंबल, एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, एटम्स की कंबाइनिंग की कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है, वैलेंसी। नंबर थ्री, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए, मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, कंपाउंड का। नंबर फोर, मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर इज ए फिजिकल चेंज फर्स्ट में, और हीटिंग
आयरन एंड सल्फर इज ए केमिकल जो पहले लिखोगे फिजिकल और बाद में लिखोगे केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला जो है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज और बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज ए फिजिकल चेंज, दूध को उबालना एक फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल लेंथ हो गई। नेक्स्ट देखो इसमें ब्लैंक्स के बाद मैच द फॉलोइंग, सी वाला जो है क्वेश्चन ए सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है, इसका फॉर्मूला है NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है MgO, सी एल्यूमिनियम इसका सिंबल है Al, डी पोटेशियम सिंबल है के, ठीक है। कंप्लीट द एनालॉजी डी पोर्शन, डी पोर्शन कंप्लीट द एनालॉजी। ए बी या वन बी ऑक्साइड ऑफ आयरन, यहां पर लिखा ब्लैंक्स है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम यानी MgO, यहां हो जाएगा FeO या Fe2O3, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट बी वाले में एसिटिक एसिड विनेगर है, ये ब्लैंक बेकार दे रखा है, यहां कुछ नहीं आएगा, क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है, सॉरी बेकिंग सोडा NaHCO3 की बेकिंग सोडा, क्लियर। तो ये बेकार दे रखा है, इसको कट कर देना। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स और गिव रीजंस, ये आपको नोटबुक में मिल जाएंगे। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, मिक्सर कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के साथ एलिमेंट्स इन एनी रेशियो, मिक्स्ड इन एनी रेशियो, एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन इन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए मोलिक्यूल प्रेजेंट इन एलिमेंट, एलिमेंट के एक मोलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एटोमिसिटी कहलाती है। एलोय दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर जो बनाती है वो कहलाती है अलोय। रस्टिंग आयरन का एयर और वाटर की प्रेजेंस में जो ब्राउन लेयर बन जाती है वो रस्टिंग कहलाती है। केमिकल इक्वेशन यानी कि सिंबल्स के साथ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। गिव रीजंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अब आप क्या आते हैं राइट पी फॉर फिजिकल चेंज एंड सी फॉर केमिकल चेंज, तो बेकिंग कुकीज, कुकीज को बेक करना केमिकल चेंज है, बर्निंग कैंडल ये भी केमिकल चेंज है, स्पॉइलेज ऑफ इटेबल्स खाने की चीजों का खराब होना ये भी केमिकल चेंज है, ए ट्री बर्न्ड इनटू एशेस ये भी केमिकल चेंज है, पेड़ का जलकर राख में कन्वर्ट हो जाना, बेकिंग सोडा रिएक्टिंग विद विनेगर ये भी केमिकल चेंज है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर पानी का जमना ये फिजिकल चेंज है, क्रोसिन टेबलेट इज क्रस्ट क्रोसिन की टेबलेट को तोड़ देते हो क्रस्ट कर देते हो तो ये फिजिकल चेंज है, और कटिंग ऑफ हेयर भी फिजिकल चेंज है।
ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।